नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 के लिए आप लोग अपना रिन्यूअल फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे, चाहे आपका पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट का हो या पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट का हो। ऐसे कह लीजिए, अगर आप कक्षा 12 के लिए अपना रिन्यूअल फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं या 12 के ऊपर कोई भी कोर्स कर रहे हैं, जैसे BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom, तो सभी छात्रों के लिए आप लोग अपना रिन्यूअल फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे, फुल प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। कैसे आप लोगों को अपना पासवर्ड फॉरगेट करना, अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो पासवर्ड आपको कैसे चेंज करना है, इसके बाद दोस्तों आप लोगों को लॉगिन कैसे करना है, देन यहां पर आपका रिन्यूअल फॉर्म कैसे फिलअप करना है, इसके बाद दोस्तों आप लोग अपना यहां पर फाइनल प्रिंट कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपना यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है रिन्यूअल फॉर्म फिलअप करने के लिए। अब दोस्तों यहां पर जैसे आओगे, फिर स्टूडेंट ऑप्शन मिलेगा, स्टूडेंट सेक्शन पर जैसे क्लिक करोगे फिर यहां पर आपको रिन्यूअल लॉगिन का ऑप्शन आएगा। तो यहां पर आपको तीसरे नंबर पर रिन्यूअल लॉगिन पे क्लिक करना, जैसे क्लिक करोगे फिर यहां पर प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन। अगर आप हाई स्कूल का रिन्यूअल फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो प्री मैट्रिक से लॉगिन करेंगे, अगर आप इंटरमीडिएट कक्षा 12 के लिए रिन्यूअल करना चाहते हैं तो इंटरमीडिएट से लॉगिन करेंगे। इंटर के ऊपर कोई भी कोर्स कर रहे हैं, BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom के लिए, तो यहां पर पोस्ट मैट्रिक अदर देन से आपको लॉगिन करना है। अब आप जिस क्लास का अपना रिन्यूअल फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं उसको यहां पर आपको सेलेक्ट करना है, उस पर लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहां पर आपको क्या क्या डिटेल फिलअप करनी है, जैसे आपको यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होता है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है उसको यहां पर फिलअप करना होता है, देन यहां पर आओगे तो नीचे आपको पासवर्ड डालना होता है। अगर दोस्तों यहां पर आपको पासवर्ड पड़ता है तो वहां पर पासवर्ड डालेंगे, यहां पर कैप्चा कोड डालकर सबमिट करके लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं, पासवर्ड आपको नहीं पता है, तो नीचे यहां पर आपको फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना, फॉरगेट पासवर्ड फॉर पोस्ट मैट्रिक, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, यहां पर देख सकते हैं रिन्यूअल के लिए। तो दोस्तों, अगर आप रिन्यूअल का पासवर्ड फॉरगेट करना चाहते हैं तो रिन्यूअल सेलेक्ट करेंगे, अगर आप नया का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो यहां पर नवीन को सेलेक्ट करेंगे। यहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना रहेगा 2023-24 का। इसके बाद यहां पर आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी फिलअप करनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी सही से आपको यहां पर डिटेल फिलअप करनी है। इसके बाद यहां पर आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है, किस बोर्ड से आप यहां पर रजिस्ट्रेशन किए थे उस बोर्ड को यहां पर आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहां पर आपको हाई स्कूल का बोर्ड यहां पर वर्ष सेलेक्ट करना, किस वर्ष आपने हाई स्कूल उत्तीर्ण किया था उसको यहां पर आपको सेलेक्ट करना रहेगा, जिस वर्ष आपने हाई स्कूल उत्तीर्ण किया था, तो यहां पर आपको मिल जाएंगे सारे ईयर, तो यहां पर आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहां पर आपको हाई स्कूल का रोल नंबर नीचे यहां पर आपको एंटर करना रहेगा। तो यहां पर आपको जो डिटेल फिलअप करनी सही से फिलअप करोगे तभी यहां पर आपका पासवर्ड फॉरगेट हो पाएगा। फिर दोस्तों यहां पर आपको कैप्चा कोड डालना है, कैप्चा कोड डालकर पासवर्ड पुनः प्राप्त करें का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों यहां पर डिटेल फिलअप करके पासवर्ड पुनः प्राप्त करें वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहां पर आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा और यहां पर आपको रिसीव भी हो जाएगा। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा 2024-25 के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहां पर आपका जो पासवर्ड रहेगा वो पासवर्ड यहां पर आपको मिल जाएगा। तो इसको यहां पर आपको नोट करके रख लेना है, और यहां पर आपको डेट देख सकते हैं किस डेट में यहां पर पासवर्ड फॉरगेट किया गया है, ये सारी चीज़ें यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी। अब इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो यहां पर आपको प्रिंट का भी ऑप्शन है, इस प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना पासवर्ड यहां पर इसको प्रिंट, इस स्लिप को प्रिंट करके भी रख सकते हैं, चाहे आप तो इसे नोट करके भी रख सकते हैं, प्रिंट ना करना चाहें तो प्रिंट मत करिएगा। दोस्तों अब यहां पर आपको फिर से अपना यूपी स्कॉलरशिप का पासवर्ड आपको मिल गया, तो लॉगिन करने के लिए फिर से यहां पर आपको होम पेज पर क्लिक करना है, फिर आपसे आपको यहां पर यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर आना है। अब दोस्तों यहां पर आपको स्टूडेंट के सेक्शन पर जाना है, फिर यहां पर आपको रिन्यूअल लॉगिन पर फिर से दोबारा से जाना है, फिर यहां पर आप जिस भी क्लास के लिए अपना रिन्यूअल फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, जैसे कि अभी बताया जाए हाई स्कूल के लिए प्री मैट्रिक से आपको लॉगिन करना है, इंटरमीडिएट कक्षा 12 के लिए आपको यहां पर इंटरमीडिएट स्टूडेंट से लॉगिन करना है, इंटर के ऊपर कोई भी कोर्स कर रहे हैं BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom, तो सभी छात्रों के लिए कोई भी कोर्स के लिए, तो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट से आपको लॉगिन करना है। तो आप जिस भी क्लास के लिए हैं तो उसको आपको फिर से चयन करना है, दोबारा से आप उस पर चयन करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे तो फिर यहां पर आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर फिर से आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास है 2023-24 का, यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ फिर से यहाँ पर फिलअप करना है, और यहाँ पर अपना पासवर्ड जो अभी आपको रिसीव हुआ वही पासवर्ड यहाँ पर आपको डालना है, देन यहाँ पर नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डालकर यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना रहेगा। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर डिटेल फिलअप करके आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे अब यहाँ पर आप लॉगिन हो जाओगे, जो यहाँ पर आपको इनवैलिड पासवर्ड या इनवैलिड रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम आ रही तो सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लॉगिन हो सकते हैं। अब लॉगिन होने के बाद यहाँ पर जब आओगे तो यहाँ पर आपको केवल पहला स्टेप यहाँ पर कंप्लीट मिलेगा, जो है रजिस्ट्रेशन का, यहाँ पर आपका पूरा
टिक रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको 7 सिस्टम में अपना फॉर्म फिलअप करना है, 7 स्टेप को आपको यहाँ पर कंप्लीट करना रहेगा, जैसे कि यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड डॉक्यूमेंट, इनकम सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको 7 स्टेप कंप्लीट करना रहेगा। तो 7 स्टेप कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आपको, जब तक आपका 7 स्टेप कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका यहाँ पर रिन्यूअल फॉर्म कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो ये सही तरीका है आपका रिन्यूअल फॉर्म फिलअप करने। तो इसको फिलअप करने के लिए अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो 3 पैरेलल लाइन पर क्लिक करोगे, आपके सामने इस प्रकार से विंडो साइड में ओपन होगा। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है सबसे पहले इस पे ग्रीन टिक लगा हुआ मिलेगा, और नीचे आओगे तो यहाँ पर आपका फोटो की भी ऑप्शन ग्रीन टिक लगा हुआ मिलेगा। दो ही ऑप्शन यहाँ पर ग्रीन टिक रहेंगे, और बाकी यहाँ पर आपका आधार प्रमाणीकरण या मोबाइल नंबर सत्यापन के लिए यहाँ पर ओपन नहीं होगा, दोनों यहाँ पर ब्लॉक रहेंगे। फिर यहाँ पर आपको जो ओपन होगा सबसे पहले यहाँ पर आपका NPCI सत्यापन का जो ऑप्शन है यही इनेबल होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। आप दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से देखोगे तो यहाँ पर आपका स्टेटस नॉट रिसीव फॉर्म NPCI सर्वर, यहाँ पर चेकिंग डेट भी आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर NPCI सत्यापन आपको कंप्लीट करना है, तो इसके लिए यहाँ पर आपको चेक NPCI स्टेटस का जो ऑप्शन है नीचे दिख रहा है, इस पर आपको NPCI सत्यापन करने के लिए क्लिक करना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप चेक NPCI स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे, आपको फिर से यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर सारे स्टेप ग्रीन हो चुके हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन पहले से था, और यहाँ पर आधार प्रमाणीकरण भी टिक लग चुका है, मोबाइल नंबर पर भी ग्रीन टिक लग चुका है, और यहाँ पर जो NPCI सत्यापन का ऑप्शन इस पर भी ग्रीन टिक लग चुका है, और जो मेन आपका यहाँ पर नवीनीकरण संशोधन का जो ऑप्शन है इस पर भी ग्रीन टिक लग चुका है, ये भी यहाँ पर आपका लॉक हो चुका है। अब ये संशोधित का ऑप्शन क्यों नहीं ओपन हो रहा? तो दोस्तों इस बार जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसके तहत यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है कि इस बार जो आपका रिन्यूअल का फॉर्म फिलअप किया जाएगा वो आपकी कॉलेज की तरफ से फिलअप किया जाए। जैसे आप NPCI सत्यापन करोगे तो यहाँ पर आपका नवीनीकरण का फॉर्म ऑटोमेटिक लॉक हो गया, इसमें आपको कोई भी डिटेल फिलअप करने की जरूरत नहीं है, सारी डिटेल आपकी जो कॉलेज की तरफ से फिलअप की जाएगी। आपको यहाँ पर जैसे कि गत वर्ष का पूर्णांक या प्रतांक या आपका एडमिशन डेट प्रेजेंट क्लास की, तो ये जो डिटेल होंगी वो कॉलेज की तरफ से फिलअप की जाएगी, आपको यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए यहाँ पर आपका ऑटो लॉक हो जा रहा है। यहाँ पर आपका फोटो भी यहाँ पर पहले से ग्रीन टिक था, यहाँ पर फोटो अपलोड था, जाँच है तो आवेदन प्रिंट यहाँ पर आप नहीं कर सकते क्योंकि आपने संशोधन, आपका जो संशोधन का ऑप्शन वो यहाँ पर डिसेबल है, जब संशोधन नहीं हुआ तो यहाँ पर आपका जाँच है प्रिंट नहीं होगा। इसके बाद आप सबमिट भी नहीं करेंगे, सबमिट करने की जरूरत नहीं, ऑटो सबमिट भी हो चुका है। अब यहाँ पर केवल आपको संस्था में आवेदन प्रिंट जमा करने, जो संस्था में जमा करने हैं तो आवेदन प्रिंट है उसको यहाँ पर आपका इनेबल होगा, इस पर आपको क्लिक करना, अपना संस्था में जमा करने हैं तो आवेदन प्रिंट करने के लिए केवल यहाँ पर आपको संस्था में जमा करने हैं तो प्रिंट निकालना है। जैसे दोस्तों अभी आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका फर्स्ट डे, जिस दिन यहाँ पर आप NPCI सत्यापन करोगे तो यहाँ पर आप संस्था में जमा करने हैं तो आवेदन प्रिंट करोगे तो यहाँ पर आपको VR Sorry की ही प्रॉब्लम आएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप सेम डे यहाँ पर अपना फॉर्म लॉक किए हैं, और यहाँ पर जैसे ही लॉक करोगे तो यहाँ पर आपका फॉर्म के मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आया कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। नेक्स्ट डे जब आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड डालकर यहाँ पर आप लॉगिन करोगे, कैप्चा कोड डालकर, और यहाँ पर आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर जब आओगे तो यहाँ पर आपका पूरा फॉर्म कम्प्लीट देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपके सारे स्टेप कम्प्लीट देखने को मिलेंगे जो यहाँ पर 7 के 7 स्टेप हैं। जाँच है तो आवेदन प्रिंट भी यहाँ पर आपको ग्रीन टिक मिलेगा, और यहाँ पर जाँच के उपरांत अपना फॉर्म सबमिट करने पर भी ग्रीन टिक लगेगा यहाँ पर मिलेगा, और यहाँ पर नीचे आओगे तो संस्था में जमा करने है तो आवेदन प्रिंट का जो ऑप्शन है इस पर भी ग्रीन टिक लगा हुआ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका फॉर्म लॉक हो चुका है आपके मोबाइल नंबर पर सेम डे जिस दिन आपने यहाँ पर इस पर क्लिक किया था, तो यहाँ पर आपका मैसेज भी आपके मोबाइल पर रिसीव हो गया था। तो इस तरीके से आपको अपना फॉर्म कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट डे जब यहाँ पर आप अपना ओपन करोगे तो यहाँ पर आपका फाइनल प्रिंट भी निकल आएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी जो डेट है रिन्यूअल का 2024-25 के लिए यहाँ पर आपका रिन्यूअल फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, डेट भी देख सकते हैं क्लास 12 के लिए हमने फॉर्म फिलअप किया था। तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा छात्रों के कमेंट भी आ रहे हैं कि यहाँ पर सब फोटो नहीं आ रहा, तो फोटो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इस बार दोस्तों काफ़ी ज़्यादा साइड में प्रॉब्लम है, किसी भी छात्र का यहाँ पर फोटो नहीं है। अगर आप हाई स्कूल के लिए भी रिन्यूअल फॉर्म फिलअप करें उनका भी फोटो नहीं आ रहा, इंटरमीडिएट के लिए फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पर उनका भी फोटो नहीं आ रहा, जो यहाँ पर इंटर के ऊपर कुछ छात्र हैं तो उनका यहाँ पर कभी कभी फोटो आ जा रहा है, उसमें भी कुछ छात्रों का फोटो नहीं आ रहा। तो फोटो से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ पर नीचे आपकी जो डिटेल देखोगे बहुत सारे छात्र यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा कि कह रहे हैं कि जैसे कि हमारा गत वर्ष का जो पूर्णांक या प्रतांक है वो पिछले वर्ष का ही फिलअप है, इस वर्ष का करंट ईयर का नहीं फिलअप है, तो ये सारी चीज़ें आपके कॉलेज की तरफ से फिलअप की जाएंगी, इसलिए यहाँ पर आपका कुछ भी अपडेट नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो अपडेट होगा वो कॉलेज की तरफ से किया जाएगा, इसलिए यहाँ पर आपको सब कुछ पुराना ही वाला डाटा दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फोटो की प्रॉब्लम मान रहे हैं तो फोटो से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ये जो फोटो है वो फोटो आपका पहले से ही अपलोड है, तो इससे आपको यहाँ पर प्रिंटआउट में नहीं आया है तो इससे कोई दिक्कत
दिक्कत नहीं है। आपका यहाँ पर फॉर्म जब देखोगे तो यहाँ पर आपका पेंडिंग एट स्टूडेंट लेवल, यहाँ पर आपके कॉलेज की तरफ से यहाँ पर पेंडिंग आपका फॉर्म कॉलेज में पहुँच चुका है। अब कॉलेज से यहाँ पर आगे फॉरवर्ड किया जाएगा, जो आपकी बेसिक डिटेल हैं जैसे कि आपका गत वर्ष का पूर्णांक प्रतांक ये सारी चीज़ें डालकर आगे फॉरवर्ड किया जाएगा, फिर यहाँ पर आपका फॉर्म आगे अग्रसित हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से आप अपना रिन्यूअल का फुल प्रोसेस कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।